Hey guys, welcome to Magical Mess. Today we will study about these topics. Let's start. Hello दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, इसे कैपिटल क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्या होता है पी बटा क्यू रूप? पी बटा क्यू रूप का मतलब होता है अंश बटे हर, यानी कि डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। इसी को हम कह सकते हैं, इसे भिन्न द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसे p बटा q फॉर्म में लिखा जा सकता है, या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, या भिन्न के द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। क्या है वो शर्तें? कि यहाँ p और q पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सभी पूर्णांक है, यानी कि p और q की जगह इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। फिर अगली शर्त क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं हो सकता। q कहाँ पर है? हर में है, तो हर यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता। अंश कुछ भी हो सकता है, हर कुछ भी हो सकता है जीरो के सिवा। तो आइए दोस्तों, अब हम इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। हाँ, ध्यान रहे, अंश में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, हर में आपको जीरो नहीं लेना है। देखिए पहला एग्जांपल 2/3 है ना, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल -5/2, हाँ यहाँ पे देखो अंश तो माइनस का है, हर प्लस का है। मैंने कहा ना पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी ले सकते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखिए 4/-8, इसी प्रकार -7, -6, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो आप। फिर देखिए 0/2, देखो जीरो अंश में हो सकता है ना, हर में जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए नोट में मैंने लिखा है 2/0। यहाँ देखिए कंपैरिजन कीजिए आप, तो 2 यहाँ पर है वो p का काम कर रहा है और 0 जो है वो q का काम कर रहा है। कंडीशन में आप देखिए कि p और q इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यहाँ तक ठीक है, पर q का मान यानी कि जो हर में आता है वह जीरो नहीं हो सकता, पर यहाँ पर जीरो है, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं होगी। आपको बता दूँ इसकी जो वैल्यू होती है, जिस भी नंबर के यदि हर में जीरो आता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत। एक बात और बता देता हूँ आपको, जो सारे नंबर्स होते हैं ना वो अपने आप में रेशनल नंबर, परिमेय संख्या ही होती है। कैसे? जैसे 3 है, 3 का मीनिंग क्या है? 3/1, तो यहाँ पे जो 1 होता है वो हर में वास्तव में छुपा होता है। तो सारे नंबर, कोई भी नंबर है, जैसे कि 5 है, तो 5 का मीनिंग क्या है? 5/1, तो हो गया ना p/q फॉर्म। तो सारे नंबर्स भी परिमेय संख्याएँ होती हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। देखिए अब जो p/q फॉर्म है, अगर उनका डेसिमल एक्सपांसन करते हैं, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं, जो दो नंबर्स थे p और q, उनका जब डिवाइड करते हैं, जनरली जो डिवाइड होता है, यानी कि p में जब q का भाग दिया जाता है, तो क्या कंडीशंस होती है? इसे हम दो कंडीशंस में बांट सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब हम p में q का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है, जिसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। एग्जांपल देखिए, जब 8 में 2 का भाग देते हैं तो 4 मिलता है, यानी कि कम्प्लीटली जा रहा है। 2 में 5 का डिवाइड करते हैं, यहाँ भी देखो 0.4 बार जा रहा है, ये कम्प्लीटली ही है। कम्प्लीटली का कहने का मतलब कि वो एंड हो रहा है, उसका डिवीज़न कम्प्लीटली जा रहा है। इसी प्रकार देखिए 18/5, इसमें जो डिवाइड है वो 3.6 बार जा रहा है, जो कि डिवीज़न है वो एंड हो रहा है, यानी कि भाग ख़त्म हो रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है।
तो ये जो सारी चीज़ें होगी जब भाग कम्प्लीटली जाता है तो वो सारे शांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे और वो किस में काउंट होंगे, परिमेय संख्याओं में काउंट होंगे। अब देखिए सेकेंड टाइप, ये जो सेकेंड टाइप है इसमें क्या है, जब हम पी में क्यू का भाग देते हैं तो इस बार क्या होगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, परंतु क्या होगा कि जब एक बार पॉइंट आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो उसके बाद हमें ऐसा दिखाई देगा कि दशमलव के बाद नंबर्स की संख्याओं की आवृत्ति होने लगेगी, यानी रिपीट होने लगेंगे नंबर, नंबर बार बार आने लगेंगे। क्या चीज़ है, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा परंतु संख्याओं की क्या होने लगेगी, दशमलव के बाद आवृत्ति होने लगेगी, रिपीटेशन होने लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, जब 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3.3333 डॉट डॉट सो ऑन, यानी कि 3 के बाद, देखो डेसिमल के बाद जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, ये कभी भी एंड नहीं होगा, भाग कभी पूरा नहीं होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन एग्जाम्पल देखिए 50/3 यानी कि 16.666 ये कंटिन्यू चल रहा है। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल 67/99, इसमें देखिए 0.6767 ये कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि 67 की रिपीटेशन हो रही है। हम तीनों एग्जाम्पल को यदि देखें तो तीनों में रिपीटेशन हो रही है। देखो इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार का साइन लगाते हैं। पहले एग्जाम्पल में पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में 16.666 रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर बार। थर्ड एग्जाम्पल में 67/99 में 0.6767 रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 67 के ऊपर क्या आएगा, बार का साइन आएगा। इस प्रकार के एक्सपांसन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो समझ में आया दोस्तों कि जो पी बाई क्यू फॉर्म परिमेय संख्या कौन कौन होती है, एक तो जब भाग पूरा पूरा जाता है और दूसरा वे जब भाग पूरा तो नहीं जाता परंतु दशमलव के बाद संख्याओं की आवृत्ति होने लगती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिलती रहेगी। लेट्स सी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। हाँ, इसका संकेत है कैपिटल पी। ये वे संख्याएँ होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और नोट में देखिए, इनका जो डेसिमल एक्सपांसन होता है वह होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब होता है कि इस बार भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अनावृत्ति का मतलब होता है इस बार दशमलव के बाद आवृत्ति नहीं होगी, रिपीटिंग नहीं होगी। तो देखिए इसके एग्जाम्पल वो होंगे जिनमें भाग पूरा पूरा भी नहीं जाएगा और पॉइंट के बाद वापस रिपीटेशन नहीं होगी। फर्स्ट एग्जाम्पल रूट टू, इसकी वैल्यू होती है 1.414213 56 सो ऑन, ये चलती रहेगी। यहाँ दशमलव के बाद कोई भी अंग रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। इसी प्रकार आप दूसरे एग्जांपल्स यानी कि √3, √5, √6 इनके वैल्यूज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, जैसे कि √2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1.414 तक, √3 के लिए आपको याद रखना है 1.732 और √5 के लिए याद रखना है 2.236। ये वैल्यूज़ आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आती है। अब देखिए इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट फर्स्ट देखिए, आप आसानी से अपरिमेय संख्या पहचान सकते हो। इसमें आपको देखना होगा कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर कोई भी नंबर है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ना है तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, वे संख्या है जो किसी का वर्ग है, यानी कि 1, वो किसका वर्ग है, 1 का। 4 जो कि किसका वर्ग है, 2 का। 9 जो कि किसका वर्ग है, 3 का। इसी प्रकार 100 जो कि किसका वर्ग है, 10 का। इनको छोड़ दो, इनके अलावा जो कुछ भी रूट में आता है वो सारी अपरिमेय संख्या है। देखो इनको छोड़ो, यानी कि √2, √3, √5, √6, √7, √8।
अब आप कहोगे कि रूट के अंदर अगर पूर्णवर्ग संख्या आ जाती है तो क्या होता है? देखिए आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि रूट के अंदर 9 आ गया, तो रूट 9 की वैल्यू होती है 3, और 3 का मतलब होता है 3/1। ये कैसा फॉर्म हो गया? P/Q, यानी कि अब क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है तो वो परिमेय संख्या हो जाती है, जबकि पूर्ण वर्ग को छोड़ के अगर दूसरे नंबर आते हैं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। हुआ ना कॉन्सेप्ट क्लियर? फैक्ट सेकंड देखिए, पाई जो कि अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई वास्तव में प्राप्त कहाँ से हुई? देखिए पाई की वैल्यू फाइंड आउट कैसे हुई कि जो वृत्त की परिधि होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, और उस वृत्त का जो व्यास होता है यानी कि डायमीटर ऑफ सर्किल, जब उनका डिवाइड करते हैं, वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का व्यास 2r, इनका डिवाइड करते हैं तो 2r से 2r कैंसिल हो जाता है तो हमें पाई प्राप्त होता है। देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.141592... यहाँ भी वही चीज कि एक तो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है? नॉन रिकरिंग है, यानी कि आवृत्ति भी नहीं होती है। इस प्रकार पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ नोट में मैंने लिखा है कि पाई की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, जो कि हम जनरली क्वेश्चंस में यूज में लेते हैं। देखिए 22/7 है ना, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी लगभग 3.14 के आसपास है और 22/7 की वैल्यू भी 3.14 के आसपास है, इसलिए पाई की जगह जनरली हम 22/7 यूज करते हैं। पर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद लगभग 100,000 पदों तक फाइंड आउट की जा चुकी है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार देखिए एक फैक्ट और है, ई जिसे कहते हैं चर घातांकी, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ई इक्वल टू 1+1/(1+1/2)……… ये चलता रहता है। इसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू 2.718……… ये जो है ये भी एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। ये जनरली हायर एजुकेशन में काम आती है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कम्प्लीटली आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसे हम कैपिटल आर द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए सभी परिमेय संख्याएं क्या होती है? वास्तविक होती है, और सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती है, यानी कि ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब देखिए इसके एग्जांपल्स, इसके वही एग्जांपल आएंगे जो हमने परिमेय में पढ़े और अपरिमेय में पढ़े। देखिए पहला एग्जांपल, इसमें देखिए 0.5 यानी कि पूरा जा रहा है तो ये परिमेय है। सेकंड एग्जांपल, यहाँ बाहर आ रहा है, रिपीटेशन हो रही है, तो ये भी परिमेय संख्या है। थर्ड, यहाँ देखो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। फोर्थ, यहाँ रूट के अंदर देखो 225, 15 का होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और फिफ्थ, फाइव क्या है? नंबर है, और सारे नंबर कैसे होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन एग्जांपल को ध्यान से देखना आप, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट टू देखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए बेल आइकन को दबाइए और वहां से आप पार्ट टू देख सकते हैं। अब देखिए अवास्तविक संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, जिनका वास्तव में एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आपको पता लगाना है कौन सी संख्या अवास्तविक होती है, तो आप सीधा देखिए अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, माइनस का कोई भी नंबर आ जाता है, या कोई भी भिन्न आ जाती है, रूट के अंदर यदि माइनस का वैल्यू आ जाता है तो वो क्या है? अवास्तविक संख्या है। इसको सॉल्व करने के लिए आयलर ने एक संकेत दिया आयोटा, उसके द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता। आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। इसके द्वारा आप किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं, जैसे कि रूट के अंदर यदि -2 आया तो मैं इसको दो टुकड़ों में विभक्त करूँगा, रूट के अंदर 2 × −1, और रूट के अंदर -1 की वैल्यू आयोटा और √2 अलग, तो इसकी वैल्यू हो गई √2 iota। मेरे वीडियो सारे देख सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी स्टैंडर्ड में है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्लीटली वीडियोस बना रहा हूँ।
अब है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जिसमें वास्तविक संख्या भी होगी और काल्पनिक संख्या भी होगी, इन दोनों का मिश्रण से सम्मिश्र संख्या बनेगी। देखिए कैसे इसे प्रदर्शित करने का जनरली फॉर्म होता है x प्लस आयोटा वाई, जिसमें से जो x है वो क्या है, रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, और जो आयोटा वाई है वो क्या है, काल्पनिक भाग है। अब आप कहोगे एग्जाम्पल, तो आप यहाँ x और y की जगह कुछ भी रख दीजिए तो इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। जैसे कि x की जगह मैंने रखा 2, y की जगह रखा 3, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा, ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें वास्तविक भाग भी होता है और काल्पनिक भाग भी होता है। इन दोनों के मिक्सर से क्या बनता है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है।